एलविस यादव जहरीले सांपों की तस्करी करते थे और विदेशी लड़कियों को बुला करके नोएडा में रेव पार्टी करवाते थे। तो है इसके सब। तो आप सभी को तो पता होगा कि एलविस यादव के ऊपर में अभी क्या एलिगेशन लगा है, तो इसी को लेकर के मनोज दे ने उन पर रिएक्ट किया है, जिसमें मनोज दे ने क्या कहा आप खुद देख लीजिए। थोड़ा ज्यादा नाम हो जाने से लोग उसको बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एलविस यादव को लेकर के अभी एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। उनके खिलाफ एफआईआर हो गया है नोएडा में। उनका कहना यह है एफआईआर में कि एलविस यादव जहरीले सांपों की तस्करी करते थे और विदेशी लड़कियों को बुला करके नोएडा में रेव पार्टी करवाते थे। रेव पार्टी का मतलब ही यही होता है, विदेशी लड़कियों को बुलाना और जहरीले सांपों को वो लेकर के आते थे, तस्करी करवाते थे, ताकि उन सांपों का जो जहर होता है उससे वो नशा करवाते थे लोगों को और खुद भी करते थे। मतलब गजब का भाई। अब एक चीज बताओ, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर के पास इतना टाइम है क्या? बिग बॉस से अभी वो रिटर्न आए हैं, उनके पास इतना टाइम है कि वो जहरीले सांपों का जहर बेचेगा? और भाई वो जहर बेच के कितना पैसा कमा लेगा? इससे अच्छा वो इंस्टाग्राम पे की स्टोरी डालकर नहीं कमा लेगा? अभी उनके एक इंस्टाग्राम का स्टोरी का जो चार्जेस होगा दोस्तों वो लाखों में होगा, जो आप समझ भी नहीं सकते हो। तो क्या उनके पास इतना टाइम है वो जहर बेचेगा सांपों का? भाई गजब है, मतलब हद है। मतलब बदनाम करने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैलाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो गलत चीजों को आप लोग शेयर ना करो। तो क्या ऐसे एलविस यादव कर सकते हैं? इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।